नमस्कार प्रणाम, आइए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आरसी फिल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी को। मोबाइल से हारमोनियम सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज हारमोनियम पर कोई भी गाना निकालने का जो सबसे अचूक मंत्र है, जिसे जानकर आप कोई भी गीत को आसानी से प्ले कर सकते हैं, खुद से बजा सकते हैं। आज तक सिर्फ सीखते जा रहे हैं लेकिन कोई भी गाना खुद से नहीं बजा पा रहे, तो उनके लिए यह खास करके विशेष जानकारी मैं लेकर के आया हूँ कि कोई भी गाने को कैसे निकाल सकते हैं आप, और गाना निकालने का जो तरीका है बस सबसे सरल तरीका जो है वह मैं बताऊँगा। सिर्फ आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। और एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगा। क्या करना है साथियों, हारमोनियम का जो मेन पॉइंट है, हारमोनियम पर गाना निकालने का जो मेन पॉइंट है, कहाँ से आपको कौन से कितने बटन आपको रखना चाहिए, पहले वो समझिए। सबसे पहले एक सरगम आपको सिलेक्ट करना है, एक सरगम बजाना है, सारेगामा बजाना है, ठीक है, कोई भी थाट से। तो सबसे बेहतर जो है थाट विलावल है, इससे यह सरगम आप पहले बजाइए। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं सेटिंग करके रखा हूँ यहाँ पे, देखिए सारे गा, ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इस पे जो है इस तरीके से दो चार बार, हमेशा जब भी आप हारमोनियम लेके बैठें तो दो चार बार इस पे उंगली घुमा लें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना उंगलियों की वह बढ़ जाएगी, ठीक है, और मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद एक गाना जो आप निकालना चाहते हैं वह आप जो है सेलेक्ट कर लें कि ये गाना हमें बजाना है, और आसानी से उसका एक एक स्टेप को ढूंढिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और जितना बटन में देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काले को कवर करके रखना है और एक सरगम सेट करके बजाना है, ठीक है। उसके बाद इतने बटन के अंदर ही ढूंढना है कोई भी गीत को। देखिए मैं ढूंढ के दिखाता हूँ, चलिए एक सॉन्ग लेता हूँ, कोई भी सॉन्ग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए तुम दिल की धड़कन में, ठीक है, धड़कन फिल्म का सॉन्ग है, यह काफ़ी प्यारा सा गीत है। आज इसे ढूंढ करके मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे कोई भी गीत निकलता है। तो जहाँ से सा मानेंगे वहीं से हम ढूंढने के लिए चालू करेंगे, ठीक है, अपने स्केल के हिसाब से। तुम नहीं, यहाँ पे मिल रहा है तुम। अब इसका अगला स्टेप क्या है, तुम दिल की, इतना ढूंढना है पहले, तुम नहीं, तुम दिल नहीं, तुम दिल, देख रहे हैं पूरा परफेक्ट स्वर यहाँ पे, तुम दिल। पीछे वाले को लेके चलना, जो जो स्वर मिल चुका है उसे लेके चलते हुए आगे बढ़ना, ठीक है, तुम दिल की, ये नहीं है, तुम दिल की, ये भी नहीं है। अब देखिए इसे देखते हैं, तुम दिल की, एकदम पूरा परफेक्ट स्वर यहाँ पे मिल चुका है। आप इसी तरीके से कोई भी गीत को ढूंढ सकते हैं, तुम दिल की। इसका दूसरा स्टेप धड़कन में, चलिए एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप कोई गाना को निकालते हैं कि कौन सा बटन से शुरू होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, या अंदाज़ा तो इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद बार बार एक ही चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगाना है। अब क्या करना है, एक पॉइंट बता देता हूँ, जिस सॉन्ग का स्टेप का स्वर हाई हो वह ये साइड से बजेगा और लो रहेगा तो ये साइड से बजेगा। हारमोनियम में इधर से इधर हम बटन को प्रेस करते हुए जाएंगे तो यहाँ तो चढ़ती हुई आवाज़ यहाँ तक सुनाई देगी, ठीक है, और इधर से इधर आएंगे तो लो। तो इस तरीके से आप जो है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, तुम दिल की, यहाँ पे स्वर जो है चढ़ रहा है ऊपर, तो तुम दिल की। अब यहाँ है धड़कन में, यहाँ पे लो और हाई दोनों का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, देखिए किस तरीके से, तुम दिल की धड़, आगे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे कट रहा है स्वर, ये आगे जाएगा ही नहीं, तुम दिल की धड़कन में, देख पा रहे हैं, आगे पीछे बटन को प्रेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी जब उंगली सही से बैठ जाएगी ना इसके ऊपर,
चलने लगेगा, तो फिर जो आपको दिक्कतें नहीं हो कभी भी आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी गीत को निकाल सकते हैं। तुम दिल की धड़कन में, दूसरा स्टेप कहाँ से होगा फिर ढूंढना है, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, देखिए, रहते हो रहते हो, काफी आसान तरीका है। अब पूरा स्टेप को जो है एक साथ बजाएंगे, तो कैसे, तो लिरिक्स के हिसाब से नहीं स्वर के हिसाब से ढूंढना है, ठीक है। लिरिक्स कुछ भी आप गुनगुना करके भी ढूंढ सकते हैं कोई भी गीत को, और एक ही तर्ज पे बहुत सारे भजन भी होते हैं, बहुत सारे सदाबहार गाने भी होते हैं। तो इस तरीके से आप स्वर को पहचानिए, स्वर को ढूंढना है, बोली को हटा दी, निकाल दीजिए, उसमें सिर्फ स्वर को ढूंढना है। अब इसका अगला स्टेप, देखिए यहाँ पे हाई से स्टार्ट है, बाहों में तुम आ जाओ, ऐसे कुछ स्टेप है इसका। एक बार और देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। अब इसका अगला स्टेप, मेरे सांसों से तो साथियों कितना आसान है, देख रहे हैं। जितना बटन मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ उतने के अंदर ही पूरा का पूरा गीत जो है निकल रहा है, बज रहा है। तो कोई भी गीत हो, आप जिस भाषा के जानकार हैं, हरियाणवी, हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला, संगीत का जो हारमोनियम पर स्वर है सबका सेम ही है, इस तरीके से आप कोई भी गीत को निकाल सकते हैं। या वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, जिनके पास हारमोनियम नहीं है वह भी मोबाइल से सीख सकें। और इस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास हारमोनियम नहीं है उन्हें भी मौका मिल सके हारमोनियम सीखने का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।